अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रंग ए ज़िंदगी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखने जा रहे हैं कि मुर्गी के पंजों को कैसे साफ़ किया जाए घर पे बग़ैर किसी केमिकल के। चले आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हाँ जी जनाब, यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो पंजे। आप ये देख सकते हैं मैंने इनको वॉश कर लिया था। वॉश करने से इनको साफ़ करना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि इनमें से स्मेल आ रही होती है। आपने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। फिर हम चलते हैं इसको साफ़ करने। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ जी जनाब, सबसे पहले हम चूल्हा जला लेंगे। आपने इसको आग की सेक लगाते जाना है हल्की हल्की सी, सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए। पूरे पंजे को एक तरफ से, एक साइड से हम इसको इस तरीके से सेक लगाते जाएंगे। ये देखें जी, हमने इस तरीके से इसको फेर फेर के सेक लगवाते जाना है ताकि जो इसकी हल्की सी ऊपर स्किन होती है वो हल्की सी सेक से भी वो जल जाती है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको सेक लगवाते जाएंगे। मैं ज़रा वीडियो बना रही थी इसलिए मुझे थोड़ा एहतियात करनी पड़ रही थी, वैसे ये 1 सेकंड नहीं लगता, साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको हल्की सी सेक लगवा देंगे। चारों तरफ से हमने इसको यूँ सेक हल्की सी लगाते जाना है। ये देखें जी, ये हो गया। अब आपने गरम गरम, इतने ज़्यादा ये गरम नहीं होते क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो हल्की सी बारीक सी होती है। आपने इनके ऊपर ऐसे हाथ की मदद से यूँ खींचते जाना है और ये देखें कितने आराम से ये जो इसकी स्किन है वो उतरती जा रही है। ये जस्ट हल्की सी बारीक सी स्किन होती है, इसको हमने उतारना होता है और ये नीचे से बिल्कुल साफ़ आ जाते हैं। ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त से हमारे साफ़ से निकलते आ रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने स्किन उतारते जानी है। जहाँ जहाँ सेक लगी हुई है वहाँ से स्किन बहुत ईजिली उतरती जाएगी। ये देखें, इस तरीके से हमने सारे पंजों की, ये देखें कितने आराम से स्किन उतर गई है। हल्की सी सेक जस्ट हमने लगाई है, ये देख लें। इस तरीके से हमने इसकी सारी स्किन उतार लेनी है। बिल्कुल बारीक सी इसकी स्किन होती है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती। हल्की सी सेक लगाओ जस्ट सेकंड्स की तो ये उतर जाती है। देखिए, हमने गरम गरम ही इसकी स्किन उतार लेनी है, ठंडे होकर ये नहीं उतरती। ये देखिए, इस तरीके से हम जल्दी जल्दी इसकी स्किन उतार लेंगे। आप घर ला के इसको साफ़ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं आधा किलो पंजों को साफ़ करने में। ठीक है जी, ये देखिए मैं तो वीडियो बना रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ी एहतियात करनी पड़ी है। आप बस आराम से इसी तरीके से करते जाएँ। ये देखिए, इस तरीके से हम कर लेंगे क्योंकि वीडियो के सामने रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कैमरा वगैरह हर चीज़ बड़ी भी होती है। वैसे बहुत आसान है, बहुत जल्दी ही हो जाते हैं, 10 मिनट लगते हैं सिर्फ इनको साफ़ करने में। अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हल्की सी सेक लगवा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने हल्की सी सेक लगवा लेनी है। जहाँ से हमने साफ़ कर लिया है उसको हमने सेक नहीं लगवानी वरना ये जल जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये बिल्कुल हल्की सी तो इन पर बोटी लगी हुई होती है। आपने इनको हल्का सा सेकना है और ये साफ़ होते जाएंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। बाज़ार के लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो लोगों ने केमिकल से साफ़ किए होते हैं। केमिकल्स हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, इसलिए आपको मैं यही कहूँगी कि बाज़ार के साफ़ किए हुए मत लीजिए। घर ला के आप आग पे जला के साफ़ करें। आग पे जलाने के बाद इनके जो भी जम्स वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। पंजे हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसकी जो बाज़ार से सूप मिलती है ना, वो इसी की बनाई हुई होती है। इसकी सूप बनाए, इसका सालन बनाए, बहुत ज़बरदस्त। आप मंथ में एक बार इसको लाजमी खाएं। ये जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए जी, इस तरीके से हमने स्किन साफ़ कर ली है। ये देखें, बहुत इजी काम है, 5 से 10 मिनट लगते हैं, ये इजीली साफ़ हो जाते हैं। मुझे तो इतना मज़ा आता है इनको साफ़ करने में। आप देख रहे हो कि आप इंजॉय किया करें। कुकिंग करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप इंजॉय करके करें। अगर आप सर पे मुसीबत डाल के करेंगे तो आपको हर काम ही मुश्किल लगेगा। इसी तरीके से हमने सारे पंजे साफ़ कर लेने हैं जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है और बताया है। ये देखें जी, हल्की सी हम स्किन जलाते जाएंगे और इसको साफ़ करते जाएंगे। ये देखें, हल्की सी सिर्फ हमने स्किन जलाई है। ये देखें, इस तरीके से ईजिली बहुत आसानी से उतर जाता है। ये देखें कितने ज़बरदस्त से 2 मिनट लगते हैं और हमारे पंजे साफ़ हो जाते हैं। ये देखें, दूसरी तरफ से भी हमने जला लेना है और इसको साफ़ कर लेना है। ये देखें, आपने इसी तरीके से तमाम पंजे साफ़ कर लेने हैं जैसे मैंने आपको बताया है। हाँ जी जनाब, ये देखिए जी मैंने सारे साफ़ कर लिए थे। एक ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, मैं सारी तो नहीं दिखा सकती थी। चलिए जी अब हम इसके नेल्स काटते हैं। आपने एक बात याद रखनी है, आपने गरम गरम के नेल्स काटते जाने हैं। साथ साथ ये देखिए इस तरीके से हम इसके नेल्स काट लेंगे। आपने इनको वॉश करने से पहले नेल्स काटने, अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो नेल्स काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से साफ़ सुथरे हमारे पंजे हो गए। सारों के हमने इस तरीके से नेल्स कट कर लेने हैं। ये देखें जी जनाब, ये देखें जी हमने इसके सारों के नेल्स काट लिए हैं। अब हम जो है ना इनको वॉश करेंगे, ठीक है जी। आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। जी जनाब, ये देखें जी मैंने इनको वॉश कर लिया है और आप ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से और कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। कोई इनमें गंद नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, बहुत साफ़ सुथरे हो गए। ये देखें आपने इसको घर लाएं, इनको साफ़ करें और घर लाके बनाएं। आपको अगर मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। फ़ीडबैक के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पेज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।